हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हैशटैग क्या होता है और हैशटैग को क्यों यूज़ किया जाता है? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम ट्विटर का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही उसमें हम कैसे हम अकाउंट बना सकते हैं, वो तो मैंने बता ही दिया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कई लोग को हैशटैग के सही यूज़ के बारे में एक्चुअल में पता नहीं होता है। क्योंकि कई लोग बहुत सारे अपने हैशटैग सुने होंगे, हैशटैग कूल, हैशटैग डे, हैशटैग समर और भी बहुत सारे। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपने जो मैंने अभी हैशटैग्स बताए हैं आपको, वो सारे हैशटैग आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो उन सारे हैशटैग को जो आपने सुने भी हैं, तो क्या आप जानते हैं उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? और उससे पहले तो ये भी समझना ज़रूरी है कि हैशटैग एक्चुअल में होते क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि एक्चुअल में हैशटैग होता क्या है और हैशटैग का क्या यूज़ होता है, किस तरीके से हम यह हैशटैग को यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी बात को एक इफ़ेक्टिव वे में रख सकें। और आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो आपको हैशटैग से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। जैसे कि हम अपने ट्विटर के अकाउंट पे आ चुके हैं और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो है एक्सप्लोर का। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कई सारे हैशटैग हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ हैशटैग एक्चुअल में होता क्या है। हैश, सबसे पहले आप एक वर्ड सुन रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ हैश। तो हैश के साथ जब हम कोई भी अदर कोई वर्ड उसके साथ यूज़ करते हैं तो वो जब दोनों मिलकर, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा होगा हैशटैग आईफोन 13, तो हैश तो है, हैश के साथ कोई एक वर्ड जब जुड़ जाता है तो वो जाके हैशटैग बन जाता है। तो जब भी कोई सा भी हैशटैग 1000 से ज़्यादा लोगों के द्वारा शेयर किया जाता है, या 1000 से हम इस तरह से इसे समझते हैं कि कोई भी जो हैशटैग हो वो जब 1000 से ज़्यादा लोगों के द्वारा उसको यूज़ किया जाता है एज अ हैशटैग, तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। और ट्रेंडिंग में जब आ जाता है तो उसका, देखिए जैसे अगर हम बात करें हैशटैग एलन मस्क, तो हैशटैग एलन मस्क 32 ट्वीट्स यहाँ पर आपको 32.7K ट्वीट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी जिस भी ट्वीट पर ज़्यादा, जो भी हैशटैग ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ट्वीट्स में, तो उसका वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो देखिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, देखिए ट्रेंडिंग, तो ट्रेंडिंग में आपको देखिए, तो यहाँ जितने भी ट्रेंडिंग में हैशटैग चल रहे हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें, देखिए हैशटैग जस्टिस डिलेड इन SSR केस, अगर देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए तो यहाँ पर अगर आप अपना कोई राय इसमें आप रखना चाहते हैं, जैसे आप जानते हैं कि SSR जो एक केस था, जस्टिस फॉर SSR, तो वो एक हैशटैग था जो ट्रेंड हुआ था बहुत उस टाइम, और हालांकि अभी भी ये ट्रेंड हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह से हम हैशटैग को यूज़ करते हैं और हैशटैग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये हैशटैग देख रहे हैं, और तो देखिए जब यहाँ पे आप अपनी भी कोई राय इसमें रखना चाहते हैं तो आप भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ कि
तो जैसे यहाँ पे मैंने ये आपको सिर्फ एक तरीके से समझाने के लिए ये मैंने लिखा है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ हैशटैग। तो देखिए ये मैंने यूज़ किया और ये मैंने एज अ रिप्लाई कर दिया, तो मेरा जो ट्वीट है वो सेंड हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम ये तो मैंने किसी और जो ये ट्रेंड में चल रहा था उस पे मैंने अपनी एक तरीके से राय मैंने अपनी रखी कि मेरी भी इस टॉपिक मेरी इस टॉपिक पर क्या मैं राय रखता हूँ वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया अपने ट्वीट के थ्रू। और मैंने वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ पे हैशटैग भी यूज़ किया था। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप अपने भी कोई हैशटैग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप जिस भी टॉपिक पे अगर अपनी, जैसे ये तो मैंने बताया कि एक तरीका ये है कि आप किसी जो ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहे हैं, इससे क्या होगा ना, इससे आप ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकोगे। और वो लोग, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था जस्टिस फॉर एसएसआर का, तो इसमें आपको समझ में आया होगा हम किस तरीके से अपनी राय रख सकते हैं ताकि हमारी भी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जो हम हैशटैग यूज़ करते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली होता है जो हम, मतलब जो टॉपिक ट्रेंड हो रहा होता है, और जो हैशटैग ट्रेंड हो रहा होता है वही हैशटैग हमें यूज़ करना होता है। और अगर हम अपना अलग से कोई हैशटैग यूज़ करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आज की जो ये वीडियो थी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी कि हम किस तरह से हैशटैग को एक्चुअल में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी हमें क्यों ज़रूरत होती है हैशटैग को यूज़ करने की। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि हम किस तरह से हैशटैग को यूज़ करते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, और चैनल पर अगर नया आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।